मैं हो गई हूँ तैयार, अब मैं जाऊँगी फेयरवेल की फेयरवेल पार्टी में, जो कि हम लोगों का सेकेंड सेमेस्टर का बहन भाई लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आज का मेरा ब्लॉग यही होगा कि हम फेयरवेल में क्या कर रहे थे, क्या करेंगे, आई मीन मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। और अभी मैं गाड़ी का इंतज़ार कर रही हूँ, मेरे दोस्त आ रहे हैं मुझे पिकअप करने, मैं जाऊँगी उनके साथ। तो मैं सीधा मिलती हूँ आपको यूनिवर्सिटी पे। और याद रखना, आज का फेयरवेल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों बोलने से, आज दो प्रोग्राम होगा, जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं मैं एकदम हूँ गलत है। तो जैसे कि बहन लोग ने बताया हमें कि आज का प्रोग्राम दो वे में होगा, एक फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल वाला जो कि हम लोग का सर लोग का साथ होगा, एंड इनफॉर्मल वाला हम लोग आफ्टर फॉर्मल वाला करने के बाद हम लोग जाएंगे कहीं और प्लेस में, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी आगे के ब्लॉग में। उसके बाद हम सब जाएंगे अपने दोस्तों के साथ सिर्फ मस्ती करेंगे, क्योंकि यू नो सर लोग के साथ हम वो इन्जॉय नहीं कर सकते जो हम अपने दोस्तों के साथ करते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे साथ कंटिन्यू कीजिए आज का मेरा प्रोग्राम देखने के लिए। गाइस, हम पहुंच गए हैं क्लासरूम पे। आप देखिए सब मेरे दोस्त कितने सुंदर सुंदर होके आई हैं। तवा मेरी प्लीज। हेलो। तुम सब कितनी प्रीति लग रही है आज। दे आर वेलकमिंग अस। थैंक यू। I'm gonna go to the moon.
ऑनलाइन क्लास का वजह से कहीं ना कहीं लैग ऑफ यूनिटी होता है हम लोग जूनियर और सीनियर में, वो
तर्जुम भी नहीं बोलेगा ना, हम लोग में यूनिटी बहुत कम होता है, कोऑपरेटिव बहुत कम होता है, लेकिन आप लोग को देख के क्या होता है कि हम लोग भी दिल में बहुत दुख होता है, वाओ ऐसा होना चाहिए, एक ही फैमिली है तो स्त्री बोलने से सब एक ही फैमिली है, इसलिए हम जाते जाते सब सीनियर की तरफ से यही बोल के जाएगी यही स्प्रिट को आगे बढ़ाओ, ताकि आप लोग का पीछे में जो जूनियर आएगा ये सर का बात आप लोग को देख के इंस्पायर हो सके ना, और अपना स्टडी को तो हम नहीं है, तो इसलिए अपना जो पढ़ाई लिखाई है उसको भी बरकरार रहो, और जो स्टूडेंट कमजोर है उसको भी साथ देना, किसी का असाइनमेंट करने का, किसी का कुछ प्रेजेंटेशन में कोई कोई डिस्कस तो उसको आपस में हमेशा मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है, ये ऐसे होता है। और थैंक यू वेरी मच, डीजे वाला जो भी है बाबू गाना बजा लीजिए। गाइस ये जिन्होंने एक प्रोग्राम रखा था मिस फेयरवेल का, तो मैंने जीता है मिस फेयरवेल का टाइटल, ऐसे मुझे एक्सपेक्टेशन, मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं जीतूंगी, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे करके मुझे मिल गया, तो मुझे भी मिला है कुछ गिफ्ट, तो मैं इसे गिफ्ट को खोल के देखूंगी अभी कि मेरे प्यारे जूनियर लोग ने मुझे क्या दिया है, आइए देखते हैं यहाँ से। इतना ज़्यादा स्टेप उसे टेप डाल के रख रहा है, मुझे नोट तो सॉन्ग बेचा है नहीं फिर से वाओ वाओ नौकर है क्या बेक है बेक बेक खुलो तो ये बेक मिला है। गाइस यहाँ का जो फॉर्मल वाला फेयरवेल था वो हो गया कंप्लीट, अभी हम जाएंगे इनफॉर्मल पार्टी पे, जहाँ हम सेक्सी इन द फ्लोर सेक्सी लेडी बन के जाएंगे, उसके बाद वहाँ पे करेंगे पार्टी, तो मिलती हूँ आप सबको वहाँ। तो अभी हम यहाँ का फॉर्मल वो फेयरवेल ख़त्म करने के बाद अभी हम जा रहे हैं स्विमिंग पूल की ओर, चलिए फिर मैं आप सबको मिलती हूँ वहाँ करेंगे पार्टी। तो गाइस अभी हम पहुँच गए ये पूल पे, देखिए यहाँ पे सानी 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 अब यहाँ पे लेके आ गया। गाइस जैसे कि मैंने आप सबको दिखाया था शुरू से कि मैं फेयरवेल पार्टी जा रही हूँ, एक्चुअली कल रात में आप सबको थैंक यू बोल के मेरा मतलब कंक्लूजन वाला वीडियो मैं नहीं बना पाई, क्योंकि
सुबह से शाम तक पार्टी किया और मैं इतनी थक गई थी और वहाँ पे भी मैंने इतना लेट तक रहा, जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि हम लोग का जो फेयरवेल है दो वे में होने वाला है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। सो आफ्टर जस्ट फिनिश द फॉर्मल फेयरवेल, हम लोग दोईमुख स्विमिंग पूल पे गए थे इनफॉर्मल वाला दोस्तों के साथ। वहाँ पे बहुत सारा मस्ती किया और बहुत थक गया था, इसलिए मैं नहीं बना पाई कंक्लूजन वाला वीडियो। तो अभी मैं घर पहुँच के बना रही हूँ। बहुत ही अच्छा था फेयरवेल। और सबसे पहले तो मैं अपने जो जूनियर्स लोग है जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था फेयरवेल पार्टी, मैं उनको अपने तहे दिल से नॉट ओनली फॉर माई साइड, फॉर द ऑल द फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, उन सब की तरफ से मैं आप सबको शुक्रिया कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब ने हम लोगों का मतलब इतना यादगार बनाया। क्योंकि हम लोग का ऑलमोस्ट लाइक 1.5 ईयर्स ऑनलाइन में चला गया था, जिसके कारण एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन इस फेयरवेल के द्वारा सबसे मिला और एंड मोमेंट पे भी जाते जाते हम लोगों को इतना अच्छा फेयरवेल दिया। इसलिए मैं सबकी तरफ से आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, टू ऑल द सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, आप सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ। और इतना तक ही बोलूँगी और बहुत अच्छा लगा मुझे। और प्लीज़ जो जो ये वीडियो देख रहे हैं आप सब से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपना बेल आइकन भी ऑन करना ना भूलें। हमेशा मुझे प्यार दे, मुझे सपोर्ट दे, क्योंकि बिना आप सबके प्यार और सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मैं आज का वीडियो यहाँ तक ही रखूँगी। थैंक यू, बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।